नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नौगांव में कुछ दिनों पहले अपहरण की अफवाहें उड़ी थी, अपहरण की घटनाएं सामने आई थी, जिनको लेकर पुलिस चौकन्नी जरूर हुई, लेकिन कल यानी एक दिन पहले थाना प्रभारी द्वारा ये बयान जारी किया गया कि इस पूरे मामले में ना तो कोई अपहरण हुआ है और ना ही कोई आरोपी पकड़ा गया है, ना इसमें कोई संलिप्तता थी। उनका ये कहना था कि इस पूरी घटनाक्रम में 13 से 16 वर्ष के वे छात्र छात्राएं शामिल हैं जो कि आईपीएल के सट्टे में बर्बाद हो चुके हैं या फिर नशे की गिरफ्त में हैं, और इसी को लेकर इस पूरे मामले का खात्मा किया गया। ये नाबालिग बच्चों के अपहरण की जो सूचना पिछले 2 माह से चल रही है, यह टोटल फेक न्यूज है। इसमें किसी भी प्रकार में सच्चाई नहीं पाएगी। यह सब 13 साल से 16 साल की उम्र के बच्चे हैं जो कि काल्पनिक दुनिया में जीते हैं और इनको अच्छे बुरे का बोध नहीं है। अधिकांश बच्चे आईपीएल के सट्टे में लिखते हैं और सूजी कनाडा लीग वगैरह उसमें सट्टा खेलते हैं। जुए में क्या ब्लैंड पैसे हारने से और नगद पैसा हारने के बाद ये इनके द्वारा स्वयं रचा जाता है, जिससे कि जिनका उधार पैसा है पैसे के तकादे से बचे और लोग पैसा न मांगे, दवा बनाने के उद्देश्य से इन्हें पुटक कराए गए। जी सर, इसकी जाँच हो चुकी है और ऐसी जानकारी सामने है, तो क्या इनके परिजनों को समझा दी गई? हाँ, इनके बच्चों के परिजनों को बराबर समझ दी जा रही है कि आप बच्चों पर नज़र रखें, उनको समझाएँ के ही ख्यालों की दुनिया में न जिए, पढ़ाई लिखाई करें, अपने कैरियर की ओर ध्यान दें, क्योंकि सभी नाबालिग बच्चे हैं। उनको बच्चे इनकी बच्चों की पहली पाठशाला इनके माँ बाप होते हैं, उनके अभिभावक इनकी पाठशाला होते हैं, उनको ही इनको अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। ये खबर आते ही अभिभावक काफी आक्रोशित दिखे। उनका कहना था कि उनके बच्चे काफी समझदार हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि नशा करना तो दूर, ताश की गड्डी या जुए के नाम से परिचित नहीं है, और केवल खात्मे को लेकर पुलिस इस तरह के बयान जारी कर रही है जो कि निंदनीय है। 10 तारीख को जुलाई में शाम का मामला है। क्या बकवास की बात करते हो यार, वो तांस नहीं समझ सकता। वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, 10वीं में, पूरे दिन स्कूल में रहता है। वो अगर एक तांस पहचान के बता दे उसने कभी ज़िंदगी में खेले हों या देखे हों, ये तो बिल्कुल इस तरह की बाइयादी की बात है, जो बिल्कुल बाइयादी की बात कर रहे हैं। बच्चों ने मरणरत कहानी रची थी सट्टे से बचने, मतलब कर्ज से बचने के लिए। उन्हें पता नहीं लगाना तो वो मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं, है ना। कई लोगों को उन्होंने उठाया भी था, इसके बाद बताया नहीं कि हमने क्या किया है, तो वो तो अपनी मनगढ़ंत बातें कि उसको छिपाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया ढंग का। एक तो जब से 3 TI बदल गए हैं तो उनको पता भी नहीं है कि क्या है, और केस को दबाने के लिए वो अपनी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। उसी दिन मौके पे गई थी, उसके दूसरे दिन घर पे आई थी और उन्होंने बयान यहाँ लिए थे। इसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नौगांव थाना प्रभारी का कहना है कि चारों जो अपहरण केस हुए थे, जितने भी हुए थे, वो सारे फर्जी पाए गए हैं। जो नाबालिग छात्र थे उन्होंने खुद अपने अपहरण की जो साजिश खुद रची थी, क्योंकि वो आईपीएल सट्टा जुआ खेलते थे, इससे कर्ज में डूबे थे और कर्ज से बचने के लिए उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी रची है। ये चीज़ें जैसे आईपीएल सट्टा के बारे में जो आप बता रहे हैं, इसमें क्या टीआई साहब ने कोई कार्रवाई की, उन लोगों को पकड़ा? रही बात खेलने वाली, तो हमारे यहाँ से तो ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा कोई काम करता हो, मोहल्ले में नहीं है, घर में नहीं है, परिवार में नहीं है। और टीआई साहब यदि मनगढ़ंत कहानी बना के पेपर में निकाल रहे हैं, अपनी बार बार लूटना चाहते हैं, ये उनका अपना वजूद हो सकता है। हमारे यदि पेपर में जो निकला है उन्होंने कहा है, तो इसके विरुद्ध हम कोर्ट में जाएंगे। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गहोई सेल्स एंड सर्विस में आकर्षक एक्सचेंज ऑफर के साथ आपको मिलेंगे कैंट, नसाका, यूरेका फोर्ब्स, एक्वागार्ड, टाटा स्वच्छ और यूनिलीवर प्योरिट के अलावा ल्यूमिनस बैटरी, हेवल्स, पद्मनी अप्लायंस, बजाज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सिंफनी, उषा, सेलो और इसके अलावा टेलीविजन रेंज में टाटा स्काई, एचडी, वीडियोकॉन, T2H और डिश टीवी की सुविधा, साथ ही साथ वी गार्ड और फिलिप्स के भी उत्पाद। भीषण गर्मी में राहत पाने के लिए कूलर और एसी की समस्त रेंज हमारे पास उपलब्ध है। डाइकिन एसी की परचेजिंग और सेल्स एंड सर्विस की सुविधा भी अब हमारे यहाँ उपलब्ध। तो आज ही आए गहोई सेल्स एंड सर्विस, कांग्रेस कार्यालय के सामने, छत्रसाल चौक, छतरपुर।